आप देख रहे हैं आज तक 10 मिनट 50 खबरों के बाद बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि उन्होंने कहा है मिलते रहा कीजिए। ये शब्द हैं एक दूसरे के धुर विरोधी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पीएम मोदी के। पीएम बनने के बाद पहली बार दोनों की मुलाकात की तस्वीर सामने आई है। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात की तस्वीर आप देख सकते हैं और तस्वीर में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता और प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि पीएम ने किसानों के मुद्दे को गंभीरता से लिया है। कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री जी से मिलकर आया है। हमारी जो यात्रा हुई थी उत्तर प्रदेश में किसानों की यात्रा, उसमें किसानों ने तीन चीजें मांगी थी, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और सही दाम, अनाज के लिए, सब्जी के लिए सही दाम। हम प्रधानमंत्री जी से मिले और हमने उनसे कहा कि हिंदुस्तान के किसानों ने उनको कर्ज माफ करने का कहा है, के बारे में कहा है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार सरकार ने 1,40,000 करोड़ रुपए माफ किए, उसी प्रकार किसानों के लिए वो कर्जा माफ करें। पंजाब के हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट थे, यूपी के पीसीसी प्रेसिडेंट थे, कर्नाटका की बात उठाई गई, महाराष्ट्र की बात उठाई गई, सबने कहा कि किसान दबा कुचला हुआ है, हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पंजाब में हर रोज एक किसान आत्महत्या करता है। तो हमने प्रधानमंत्री से कहा है कि वो जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान के किसान को राहत दें, मदद करें और कर्जा माफ करें। अंग्रेजी में बोल देता हूं, वी मेट द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आरोप ये लगाया है कि विपक्ष भ्रष्टाचार के पक्ष में लामबंद हो रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में ही बेनामी संपत्ति एक्ट लागू हो चुका था, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। उनके मुताबिक अगर अभी लागू किया गया तो कांग्रेस हमला शुरू कर देगी। मोदी ने अपील भी की कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को अपनी जीवन शैली में शामिल करें। साथ ही विपक्ष पर मोदी का पलटवार, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए दल पहले है, देश बाद में है। भ्रष्टाचार के समर्थन में विपक्ष एकजुट हो गया है, जिसकी वजह से संसद नहीं चल पा रही है। ये बेहद गंभीर मुद्दा है। और साथ ही किस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन को जीवन शैली में शामिल किया जाए, डिजिटल पेमेंट्स किए जाए, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया।